Section D, Intelligence Test. 101. Find the missing term. 400, 388, 376, 364 और उसके बाद वाला नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम ये देख पा रहे हैं कि 400 माइनस 12 इज 388. 388 माइनस 12 विल बी 376. 376 माइनस 12 विल बी 364. तो ये जो सारे जो नंबर्स हैं इसमें से अगर हम 12 माइनस करते जा रहे हैं तो उसका नेक्स्ट नंबर आ रहा है. तो वैसे हम 364 में से क्या करेंगे, 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 352. सो ए विल बी दी आंसर. 102. फाइंड द मिसिंग नंबर. अब ये सारे नंबर दिए गए हैं, अब इसका जो लास्ट नंबर है वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स फाइंड आउट 3, 7, 16, 35, 74. तो ये कैसे सीरीज में दिए गए हैं नंबर वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो 3 × 2 = 6. 6 + 1 = 7. सो 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 7. वैसे ही 7 × 2 = 14 और 14 + 2 क्या आ रहा है, 16. ठीक है, 16 × 2 = और उसमें अगर हम प्लस करेंगे 1 तो आता है 35. तो वैसे ही 74 × 2, क्योंकि लास्ट नंबर हमें फाइंड करना है, तो 74 × 2 = 148 एंड 148 + 5 = 153. सो 153 इज आर आंसर. 103. फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये कोई अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं कुछ, अब हमें ये बताना है कि ये किस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं और इसका नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा. 3, 4, 7 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, वो किस ऑर्डर में लिखे गए हैं और इसका नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा वो हमें ब्लैंक में फिल करना है. सो इट्स ए डी डी जी ई एच एच के आई एल एल ओ एम पी पी एस. सो इसका आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम देखेंगे ए डी डी जी. ए अल्फ़ाबेट है, उसके दो अल्फ़ाबेट छोड़ के मतलब बी सी छोड़ के डी दो बार रिपीट हो रहा है, ए डी डी, और फिर उसके और दो अल्फ़ाबेट छोड़ के मतलब डी के दो और अल्फ़ाबेट छोड़ के जी आ रहा है. सो ए 2 times D एंड देन G. और फिर दूसरा जो सीरीज़ है वो कैसे शुरू हो रहा है, D के बगल वाला मतलब जो दो रिपीट हो रहे हैं उसके बगल वाला जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ E. ठीक है, E. और जो यहाँ पे G जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसका बगल वाला दो बार फिर से रिपीट होगा. सो D के बगल वाला कौन सा है, E, और G के बगल वाला कौन सा है, H. तो H हमारा यहाँ पे दो बार रिपीट होगा. So E double H, then K, okay. Then comes I double L O. So I H के बगल वाला है यहाँ पे जो दो बार रिपीट हो रहा है उसके बगल में कौन सा है, I. Then it is double L O. L क्योंकि यहाँ पे K के बगल में क्या आएगा, L. So वो दो बार रिपीट होगा और दो अल्फ़ाबेट छोड़ के फिर O. ठीक है, तो यही सीरीज हमें मेंटेन करना है. फिर I के बगल में J आता है, ठीक है, और डबल एल के बगल में क्या आ रहा है, डबल एल जो कि दो बार रिपीट हो रहा है वो नेक्स्ट का पहला अल्फ़ाबेट होगा. सो एल के बगल में एम आता है और जो लास्ट इनका अल्फ़ाबेट था ओ दो अल्फ़ाबेट छोड़ के उसके बगल में जो आ रहा है वो फिर से डबल दो बार रिपीट होगा, डबल टाइम्स रिपीट होगा. सो एम पी पी एस. तो पहले हम पूरी अल्फ़ाबेट एक बार सीरीज में लिख लेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये किस पैटर्न में चल रहा है. सो आर आंसर विल बी जो एम डबल पी एस जो है उसके पी के बगल में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, क्यू. तो क्यू विल बी दी फर्स्ट अल्फ़ाबेट. एस के बगल में कौन सा आ रहा है, टी. तो टी क्या होगा, दो बार रिपीट होगा और टी को छोड़ के दो अल्फ़ाबेट कौन सा है, डब्ल्यू. सो सी विल बी आर आंसर. 104. सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कम्प्लीट द गिवन ग्राइड. सो अब इसमें एक क्वार्टर शेडेड है, इसमें दूसरा क्वार्टर शेडेड है और इस वाले फिगर में दोनों ही क्वार्टर जो कि आमने सामने हैं वो शेडेड हैं. सेम इस सर्कल में दिख रहा है, एक क्वार्टर शेडेड है, दूसरा क्वार्टर शेडेड है और दोनों जो अपोजिट वाले हैं वो शेडेड हैं. तो इस स्क्वायर के लिए भी जो कि इन्वर्टेड किया गया है थोड़ा सा, उसके लिए भी सेम होगा, एक क्वार्टर शेडेड है तो दूसरा भी उसके सामने वाला शेडेड होगा. तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी. हम ये देख के बता सकते हैं, ठीक है, तो सी विल बी दी आंसर. नाउ 105. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. बुक, ऑथर. तो बुक कौन लिखता है, ऑथर. वैसे ही डिश कौन बनाता है,
तो बी शक विल बी दी आंसर. नाउ 106. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. फ्लड ड्रॉट, तो फ्लड मतलब बाढ़, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. वैसे ही जीनियस का अपोजिट क्या होगा? ए थिंक, नहीं बी इंटेलिजेंस, सी ब्रेन, डी फुलिश. तो डी फुलिश जो कि जीनियस का उल्टा है, अपोजिट है, वो उसका आंसर होगा. नाउ 107. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सेकेंड पेयर. मतलब अगर पहले का हमें रिलेशनशिप बताना है कि पहले पेयर का रिलेशनशिप क्या है, और उसके बाद हमें दूसरा कौन सा पेयर होगा दूसरे का, वो हमें फाइंड आउट करना है. नाउ हम सारे अल्फाबेट्स को फिर से एक बार लाइन में लिख लेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कौन किसका पेयर है पहले. ठीक है, सो ए, फिर दो अल्फाबेट छोड़ के डी एंड देन ई, दैट इज उसके मतलब कोई गैप नहीं है उसके बीच में. सो ए डी ई, फिर ई के बगल वाला अल्फाबेट जो कि इस टू में है एफ जी जे, जो कि एफ जी, एफ के सीधा बाद जी आता है और उसके दो अल्फाबेट छोड़ के जे आता है. अब जो नेक्स्ट क्रोनोलॉजी है जिसका इस टू हो सकता है, तो वो होगा के एन ओ. जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में देखा कि एफ और जी पास पास में थे और दो छोड़ के फिर जे आया, तो इसमें भी वैसे ही होगा के एन ओ ये है. और इसके पास वाला कौन सा होगा? पी क्यू, और दो छोड़ के कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? टी. सो व्हाट विल बी द आंसर? पी क्यू टी विल बी द आंसर, दैट इज बी. सो 108. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. नाउ कफ थ्रोट, अस्थमा लंग्स. तो क्योंकि कफ थ्रोट, कफ से थ्रोट मिल रहा है और अस्थमा एक लंग्स वाला डिजीज है, तो लंग विल बी द आंसर. 109. अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. टॉप टू बॉटम नहीं जाना है, नीचे से ऊपर जाना है. ठीक है, ए नीज, बी टोज, सी काफ्स, डी हील्स, ई एंकल. सो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाना है. तो सबसे पहले नीचे से क्या आता है? टोज आता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने हील्स, एड़ियाँ. ठीक है, पहले पैर, फिर उसके बाद हील्स, अपनी एड़ियाँ, देन आता है थ्री एंकल, ई ई वाला एंकल आता है. फिर उसके बाद आता है काफ्स जो कि नीज के नीचे का पोर्शन होता है, और फिर आता है नी, क्योंकि बॉटम टू टॉप कहा गया है तो ऐसे जाएगा. ओके, सो द आंसर विल बी बी डी ई सी ए. ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 110. अरेंज द गिवन वर्ड एज दे अकर इन द डिक्शनरी. ए क्रिस्टीन, बी प्रिंटर, सी प्रीवियस, डी प्रिवेंट, ई प्रायोरिटी. अब डिक्शनरी में कैसे वर्ड टू वर्ड, अल्फाबेट टू अल्फाबेट सारे वर्ड्स अरेंज होते हैं, मतलब एक एक अल्फाबेट को हमें देखना पड़ेगा कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, उस हिसाब से पहला वर्ड जाएगा. ठीक है, तो सब में पी आर पी आर पी आर पी आर सब कुछ सेम है. ओके, सो सब में पहले पी आर पी आर पी आर सब में सेम है, सो दिस विल नॉट काउंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नेक्स्ट वर्ड पी आर आई एस टी, पी आर आई एन, पी आर ई वी, पी आर ई वी, पी आर आई ओ. तो ई वाला जो है, क्योंकि ई वाला जो है पहले आएगा, क्योंकि आई से ई छोटा होता है, पहले आता है. ठीक है, सो ई वाला जो वर्ड है, पी आर ई वाला वर्ड, वो पहला है, क्योंकि पी आर तो सब में सेम है, ई वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा. अब ई वाला वर्ड दो है, पी आर ई वी आई ओ एस और पी आर ई वी ई एन टी. अब वी भी कॉमन है दोनों में, इसमें भी, इसमें भी, उसके बाद वाला लेटर देखेंगे आई और इसमें फिर से ई, तो ई पहले आता है, तो डी विल बी दी फर्स्ट, प्रिवेंट विल बी दी फर्स्ट वर्ड दैट विल कम इन दी डिक्शनरी. तो डी विल बी द फर्स्ट वर्ड. ऐसे तो हम इस ऑप्शन को देख के बता सकते हैं कि डी अगर पहला वर्ड होगा तो फिर सी आएगा जो कि है प्रीवियस, V I O U S वाला, फिर आएगा B दैट इज प्रिंटर, फिर आएगा E दैट इज प्रायोरिटी, फिर आएगा A दैट इज प्रिस्टीन. ठीक है, तो C हमारा आंसर होगा. नाउ 111. अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर, तो हमें इसको सबको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखते हैं हम कैसे अरेंज कर सकते. ए रेन, बी कूलिंग,
सी कंडेंसेशन, डी हीटिंग, ई इवेपोरेशन. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो. अब ये पूरा हमारा क्या है, वाटर साइकिल है, कैसे कैसे बादल बनते हैं, बारिश होती है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है. तो क्या सबसे पहले होता है, पहले हीटिंग होता है, पहले गर्मी आती है ना, तो पहले हीटिंग होता है, फिर वो जो पानी है वो इवेपोरेट होने लगता है. सो इट विल बी डी ई, पहले हीटिंग, डी ई, देन बी दैट इज कूलिंग, पहले हीटिंग होता है फिर इवेपोरेशन होता है, फिर बी कूलिंग होता है, सी कंडेंसेशन होता है उस पानी का, और फिर वो रेन बन के बरस जाता है, पानी बन के बरस जाता है. सो इट विल बी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी दैट इज डी ई बी सी ए, डी ई बी सी ए. सो डी विल बी आर आंसर. 112. Which of the following is the water image of 5374? अब water image 5374 का क्या होगा, मतलब अगर हम इस digit को पानी में देखेंगे तो कैसा आकार आएगा. So it will be 5374 invert हो जाएगा, तो ये वाला आएगा, देखो 4735, इसका उल्टा दिखेगा reflection पानी में. तो C will be our answer. 113. Complete the following analogy. B4 G question mark. So कैसे पता लगाएंगे B4 कैसे इसको दिया गया है ये नंबर, तो हमें पता है A B सेकेंड पोजिशन पे आता है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज B इज इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो B को 4 ऐसे मिला है 2 का स्क्वायर करके 4. तो अब G कौन से पोजिशन पे आता है, G सेवेंथ पोजिशन पे आता है अल्फाबेट में, तो 7 द होल स्क्वायर गिव्स अस 49. So D 49 will be our answer. 114. Find the odd one out. A orange, B earth, C egg, D basketball. तो ये सारे गोल आकार के हैं, मतलब ऑरेंज, अर्थ और बास्केटबॉल, लेकिन एग जो है वो थोड़ा ओवल शेप का हो जाता है. सो एग जो है वो ऑड वन आउट है. 115. Find the odd one out. फिर से इसमें हम ऑड वन आउट निकालेंगे. A 97, B 47, C 81, D 19. अब इसमें से जो ये 81 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर हैं, तो इसका आंसर ये होगा. तो जो 115 है उसका आंसर होगा सी 81, क्योंकि जो बाकी सारे हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं और सी जो है वो अपना प्राइम नंबर नहीं है ना. 116. पिक द ऑड वन आउट. ए बुक, बी पेंसिल, सी इरेजर, डी कंप्यूटर. तो ये हमें पता है बुक, पेंसिल, इरेजर एक दूसरे के काम आते हैं, हम बुक पे पेंसिल पे लिखते हैं, इरेजर से इरेज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक टिपिकली मशीन हुआ, तो डी कंप्यूटर ऑड वन आउट है. 117. फाइंड द ऑड वन आउट. नाउ ये एक फोर साइड्स का बॉक्स है जिसमें कि फाइव साइड वाले ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं. ये एक फाइव साइड वाला बॉक्स है जिसमें कि सिक्स साइड वाले अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं. तो हम ये पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि बाहर के जो बॉक्सेस हैं उनके साइड कम है कंपेयर टू अंदर वाले बॉक्सेस. ठीक है, इसमें भी तीन साइड का बॉक्स है, एक ट्रायंगुलर बॉक्स है जिसमें कि एक स्क्वायर बॉक्स जो कि चार साइड का है वो रखा गया है. बट ये जो सी वाला है उसमें बाहर के जो बॉक्स है उसके साइड ज़्यादा है, मतलब ये सिक्स साइड्स का है बाहर वाला बॉक्स और अंदर वाला जो बॉक्स है वो फाइव साइड्स का है. तो ये एक ऑड वन आउट दिख रहा है. सो सी विल बी आर ऑड वन आउट. 118. फाइंड द ऑड वन आउट. ए कानपुर, बी विजयवाड़ा, सी गंगा, डी गुवाहाटी. ये सारे एक प्लेस के नाम है या सिटी के नाम है, बट सी गंगा जो है वो एक रिवर है, हम सबको पता है, तो सी विल बी द ऑड वन आउट. 119. चूज द ऑड वन आउट. ए गिटार, बी वायलिन, सी सितार, डी फ्लूट. अब ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि है गिटार, वायलिन, सितार, ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको स्ट्रिंग के द्वारा बजाया जाता है, तार के द्वारा बजाया जाता है. बट फ्लूट, फ्लूट एक होलो पाइप होता है जिसमें कि हवा का फ्रीक्वेंसी मैच करते हुए फ्लूट बजाया जाता है, तो डी फ्लूट इज द ऑड वन आउट. 120. Complete the following analogy. अब इसमें जो भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इस टू उसके नंबर दिए गए हैं, अब फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दिया गया है और उसका नंबर फिर से पूछा गया है. तो लेट्स सॉल्व दिस. तो डी जी ए इज टू 12. अब ये कैसे पता लगाया जाए कि डी जी ए को 12 नंबर क्यों असाइन किया गया है, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे. डी जो अल्फ़ाबेट है वो फोर्थ पोजिशन पर है, तो डी
फोर, जी जो अल्फ़ाबेट है वो सेवेंथ पोजिशन पे है और ए अल्फ़ाबेट हमें पता है फर्स्ट पोजिशन पे आता है। तो 4 + 7 + 1 कितना होता है 12। तो ऐसे ही ये नंबर असाइन किया गया है इन ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स को। तो वैसे ही ए एम क्यू के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ए एम क्यू का क्या होगा, ए कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन से नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, क्यू जो है वो 17 नंबर पे आता है, और 1 + 13 + 17 अगर हम करेंगे तो बी 31 हमारा आंसर आएगा। सो ए एम क्यू इज टू 31, दैट इज बी। फाइंड द मिसिंग नंबर, 5 is to 22, नाउ 8 is to कितना, तो हमें 8 is to क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 × 5 = 25 और 25 - 3 कितना आता है 22। तो ये पैर ऐसे बना है। अब इस पैर का ढूंढने के लिए दूसरा पैर हम पता लगाएंगे कैसे, यही मेथड को यूज़ करके। सो 8 × 5 gives us 40, 40 - 3, जैसे कि हमने 25 - 3 किया था तो हमें 22 मिला था, तो वैसे ही 40 - 3 gives us 37, तो बी 37 विल बी दी आंसर। 122, फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड इन पर्टिकुलर मैनर, एस्टैब्लिश द सेम रिलेशनशिप बिटवीन फिगर सी एंड डी बाय चूजिंग अ फिगर फ्रॉम ऑल्टरनेशंस विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अभी ये जो क्वेश्चन मार्क वाला फिगर है उससे कौन सा फिगर मैच करता है ये हमें देखना है, ठीक है। सो ए एक एरो है जो कि ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, बी एक एरो है जो कि नीचे की ओर इशारा कर रहा है, और सी एक एरो है जो कि सीधे ऊपर की ओर अप की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो डी कैसा होगा, तो हम ये एरोज को देख के पता लगा सकते हैं कि अगर ये ऊपर की ओर इशारा कर रहा है और ये नीचे की ओर, और सी वाला ऊपर की ओर है, तो डी वाला जो होगा वो स्लांट में नीचे की ओर इशारा करता हुआ एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। सो डी विल बी दी आंसर, इसमें ये वाला जो फिगर है वो होगा डी की जगह पे। 123, कंप्लीट द पैटर्न, ये पैटर्न देख रहे हैं हम, एक सर्कल है जो कि एक स्क्वायर में इनक्लोज्ड है और उसमें एक क्रॉस साइन भी किया गया है, उसका इस टू क्या बताया गया है, एक सर्कल है इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, अपोजिट कर दिया है इसका, एक सर्कल लिया है उसके अंदर स्क्वायर, इसमें एक स्क्वायर के अंदर सर्कल था और इसमें अब सर्कल के अंदर स्क्वायर है और उसमें कट लगा दिया गया है। तो सेम एक फिगर है जिसमें कि डायगनली स्क्वायर को अरेंज किया गया है और उसमें एक अंदर एक और स्क्वायर है जो कि सीधा है, ये वाला अंदर वाला स्क्वायर सीधा है और उसके ऊपर एक कट मार दिया गया है। तो इस फिगर में कैसा फिगर होगा कि बाहर वाला जो स्क्वायर होगा वो ऐसे ही होगा, सीधा वाला स्क्वायर होगा, और इसके अंदर एक डायगनल स्क्वायर होगा और अंदर कट होगा। तो दिस डी ऑप्शन इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, तो डी विल बी दी आंसर। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ पार्ट ऑफ गिवन फिगर, अब हम ये फिगर देख सकते हैं, अब कौन सा शेप इस फिगर का पार्ट है, तो ए बी सी डी, तो ए सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि ए यहाँ पे फिगर बना रहा है इसके अंदर, सो ए विल बी दी आंसर। 125, अब ये एक डायगनली और एक सर्कल में सारे लिखे गए हैं नंबर्स और इसे हमें कैलकुलेट करना है कि क्वेश्चन मार्क वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अब ये बीच में 7 एक नंबर दिया गया है और साइड साइड में सारे नंबर दिए गए, तो इसका मतलब क्या निकाले, तो देख रहे हैं हम कि जो डायगनली नंबर प्लेस्ड हैं जैसे कि 4 और 3, तो 4 + 3 कितना होता है 7, 5 + 2 जो डायगनली नंबर है उन्हें हम प्लस कर रहे हैं, तो 5 + 2 कितना होता है 5 + 2 होता है फिर से 7। अब यहाँ पे 1 दिया गया है और इसके डायगनल में हमें फाइंड करना है नंबर, तो 1 में कितना प्लस करेंगे तो 7 आएगा, सो वी नो दैट 1 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा डी 6।